अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुह। तोहफ़ा या अली अलैहि सलाम मदद। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्लाहुम्मा सल्ली अला फातिमाता व अबीहा व बअलिहा व बनीहा व सिरिल मुस्तौदाए फीहा बेअदद मा अहाता बिही इल्मुक व मा अहसाहु किताबुक। अल्लाहुम्मा अज्जिल वलीयकल फरज। करबलाए मौला, हमारे यहाँ करबलाए मौला में 30 रमज़ान अज़ीम है और जिन ममालिक के अंदर आज ईद का दिन है, ईद के दिन की मुनासबत से आइए हम आखिर रमज़ान की मुनासबत से मौला की बारगाह में शब जुमा का सलाम और अर्ज़ अकीदत पेश करते हैं। आइए सीने पे हाथ रख लीजिए, दिलों की धड़कनों को फ़िदाए तुराब इब्ने अबू तुराब अलैहिस्सलाम करने की नीयत से आइए मौला की बारगाह में सलाम और अर्ज़ अकीदत अजर रिसालत के तौर पर पेश करते हैं। السلام عليك يا أبا عبد الله السلام عليك يا ابن رسول الله السلام عليك يا ابن أمير المؤمنين وابن سيد الوصيين علي ابن أبي طالب السلام عليك يا ابن فاطمة الزهراء سيدة نساء العالمين وعلى الأرواح التي حلت بفنائك عليك مني سلام الله أبدا ما بقيت وبقي الليل والنهار ولا جعله الله آخر العهد مني لزيارتكم السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين يا ليتنا كنا معكم فنفوز فوزا عظيما السلام عليكم ورحمة الله وبركاته السلام عليك يا مولاي يا أبا الفضل العباس يا ابن أمير المؤمنين وابن قاتل المشركين المطيع لله ولرسوله ولأمير المؤمنين والحسن والحسين السلام عليك يا قطيع الكفين السلام عليك يا حجاب زينب السلام عليك يا قمر العشيرة السلام عليك يا باب الحوائج السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
करबलाए मौला की पाक धरती में आप सब की खिदमत आलिया में खुश आमदीद अर्ज़ करता हूँ। जिस तरीके से आप जानते हैं कि आज करबलाए मौला में 30 रमज़ान अज़ीम 1442 हिजरी है और 13 मई है 2021 है। आज हम अपने प्रोग्राम की किस्त नंबर 548 बारगाहे अकदस अहले बैत अलैहिस्सलाम में हदिया करने लगे हैं। हमारे साथ आज मेहमान होंगे मारूफ शायर शायर मोहम्मद वाले मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वाले व नात व नुहा खां ज़ाकिर अहले बैत अलैहिस्सलाम सैयद जवाद हैदर नकवी करबलाई साहब सरपरस्त हैं, जो कि मातमी संगत कमरे बनी हाशिम अलैहिस्सलाम के अटक पाकिस्तान से। और हमारे साथ मौजूद होंगे नोहा खां सैयद मोहम्मद कायम साहब मुंबई इंडिया से। खुदावंद मुताल का जितना शुक्र अदा किया जाए इस नेमत उज़्मा का कि उसने हमें चंद लम्हात और ज़िक्र अहले बैत अलैहिस्सलाम के नसीब फरमाए उतना ही कम है। और आप जानते हैं कि शबे जुमा है हमारे यहाँ, जुमे रात का दिन आखिरी घड़ियाँ तय कर रहा है और रमज़ान अज़ीम भी आखिरी लम्हात में। हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं मारूफ शायर मोहम्मद वाले मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि व नुआत व नुहा खां ज़ाकिर अहले बैत अलैहिस्सलाम सैयद जवाद हैदर नकवी साहब करबलाई अटक पाकिस्तान से। अस्सलामु अलैकुम जी। वालेकुम सलाम। या अली मदद। हे मौला जी अलैहिस्सलाम मदद। करबलाए मौला की पाक धरती में आपकी प्यारी आवाज़ गूंज रही है। चाहूँगा ज़िक्र अहले बैत अलैहिस्सलाम से शबे जुमा के लिए बारगाह अक़दस अहले बैत अलैहिस्सलाम में हदिया अकीदत पेश कीजिएगा, इनायत कीजिएगा। बिस्मिल्लाह। जी बिस्मिल्लाह। ममनून मशकूर हूँ कि आपकी वसातत से आज करबलाए मौला में फिर मेरी आवाज़ गूंज रही है। माशाल्लाह। तो मैं चाहूँगा कि अपना ही बिल्कुल नया कलाम 3 दिन पहले मैंने जनाबे उम्मे फरवा पाक बीबी जोजाए जनाबे हसन मुतवाल सलाम की शान माशाल्लाह। में चंद अशार पढ़ने की इजाज़त चाहूँगा। इनायत हो। बिस्मिल्लाह। माशाल्लाह माशाल्लाह। ये इन आम
जनाबे वाह वाह तुझ वाह पे रब का वाह है वाह वाह ये जनाबे वाह फरवा वाह क्यों न हो जिक्र। वाह और अपने कासिम मुकम्मल तुझे लाशा न मिला सब्र से तूने लिया काम जनाबे फरवा सब्र से तूने किया जनाबे फरवा क्यों न हो जिक्र। और तेरी मैं मेरी शाम जनाबे फरवा मेरी हर सुबह मेरी शाम जनाबे फरवा क्यों न हो जिक्र तेरा जनाबे फरवा क्यों न हो आपकी इजाजत हो तो एक मेरे मौला इमाम हुसैन बादशाह की बिस्मिल्लाह अजमत मीर तकल्लम साहब का कलाम है, इनायत हो उसके दो अशआर आपकी खिदमत में पेश करने की जसारत चाहूंगा। बिस्मिल्लाह इनायत हो कहाँ से लाएगी दुनिया हुसैन के जैसा हुसैन के जैसा कहाँ से लाएगी दुनिया हुसैन के जैसा फकत हुसैन मिलेगा हुसैन के जैसा कहाँ से लाएगी दुनिया हुसैन के जैसा। इबादतों का तो जारी है सिलसिला
तक इबादतों का तो जारी है सिलसिला, अब तक नमाज को वो नमाजी नहीं मिला, अब तक करे जो खाक पे सजदा हुसैन के जैसा। वाह 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 वाह, खुदावंद ने मुताला आपकी तौफीकात खैर में इजाफा फरमाए। सदा आबाद रहें, सदा शाद रहें, सदा जिक्र अहले बैत अलैहिस्सलाम करते रहें। ये प्यार भरे कलाम और मोहब्बतों भरे अल्फाज और जज्बों से भरी आवाज़ हमेशा सलामत रहे और ये अकीदतें हमेशा नछावर होती रहें बारगाह अकदस अहले बैत अलैहिस्सलाम में। और ये जज्बात, ये अकीदतें, ये मोहब्बतें, ये तरन्नुम अहले बैत अलैहिस्सलाम, मोहब्बत अहले बैत अलैहिस्सलाम से भरी सांसें हमेशा महकती रहें। मवद्दत अहले बैत अलैहिस्सलाम से सदा आबाद रहें, सदा जिक्र अहले बैत अलैहिस्सलाम करते रहें, हमेशा अच्छा अच्छा लिखते रहें, अच्छा अच्छा पढ़ते रहें और इखलास के साथ पेश करते रहें, सदा आबाद रहें। ये थे हमारे साथ मारूफ शायर मोहम्मद वाले मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वाले व नातो नुहा खां जाकिर अहले बैत अलैहिस्सलाम सैयद जवाद हैदर नकवी साहब करबलाई, जो कि सरपरस्त हैं मातमी संगत कब्र बनी हाशिम अलैहिस्सलाम अटक पाकिस्तान से। खुदावंद मुताला पर रहमतें बरकतें नादिल फरमाए। सदा आबाद रहें, सदा जिक्र अहले बैत अलैहिस्सलाम करते रहें और ये आपकी सांसें हमेशा महकती रहें मोहब्बत अहले बैत अलैहिस्सलाम से। अब हमारे साथ मौजूद हैं नुहा खां सैयद मोहम्मद कायम मुंबई से, इंडिया से। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। या अली मदद। वालेकुम अस्सलाम भाई। अली मदद अस्सलाम। करबलाए मौला बैनुल हरमैन बारगाह अक़दस अहले बैत अलैहिस्सलाम, शबे जुमा, रहमानी हवाएं, मोहब्बत भरी फ़ज़ाएं, अकीदतों के अल्फाज चाहूँगा जिक्र अहले बैत अलैहिस्सलाम में हदिया कीजिए, इनायत कीजिएगा। बिस्मिल्लाह। जी भाई, औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, रब इशरह ली सदरी व यस्सिर लि वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हु क़ौली, अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आलि मुहम्मद व आलि फ़रजहुम। जी हजरात, मैं कलाम पेश करता हूँ समाज समय के नशार को। दीन अहमद, दीन अहमद बचा रहा है कोई, दीने अहमद, दीने अहमद बचा रहा है कोई, दीने अहमद बचा रहा है कोई, अपने सर को कटा रहा है कोई, अपने से को कटा रहा है कोई, और ना ही कोई वफा जरी की तरह, ना ही कोई जरी की तरह, नहीं ऐसा शुजा रहा है कोई, नहीं ऐसा शुजा रहा है कोई, किदार पर है मगर खुदा की कसम, दार पर है मगर खुदा की कसम, गीत मिदहत के गा रहा
है कोई गीत निदहत के गा रहा है कोई के लहजाए हैदरी से जालिम के लहजाए हैदरी से जालिम के दिल पे खंजर चलता रहा है कोई पे खंजर चला रहा है कोई के देखे कर वो बला में अपनी रिदा देखे कर वो बला में अपनी रिदा दी को चादर ओढ़ा रहा है कोई दी को चादर ओढ़ा रहा है कोई कि कैसी हलचल है ये लबे दरिया कैसी हलचल है ये लबे दरिया मश्क भरने को आ रहा है कोई मश्क भरने को आ रहा है कोई के नूर कैसा है खैमा ए शहमे नूर कैसा है खैमा ए शहमे शम उल्फत जला रहा है कोई शम उल्फत और ये आखिरी के दो शेर के देख कर किस को रो दी ये जालिम के देख कर जिस को रो दिया जालिम रन में यूं मुस्कुरा है कोई रन में यूं मुस्कुरा है कोई दीने अहमद तो बच गया सिम दीने अहमद तो बच गया सिम आले तालिब लुटा रहा है कोई आले तालिब लुटा रहा है कोई दीने अहमद बचा रहा है कोई मोहम्मद वाले मोहम्मद सलवात आपके पास तकरीबन 5 से 6 मिनट है अगर कुछ और इनायत फरमाना चाहें तो एक और नारे सलवात दीजिए आप सब اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجه ولعن عداه क्या कहूँ नहीं है क्या
और क्या अली का है, माशाल्लाह, क्या कहूँ नहीं है क्या और क्या अली का है, जो है सब खुदा का है और खुदा अली का है, जो है सब खुदा का है और खुदा अली का है। जाने क्या पसंद आया हक को ये खुदा जाने, जान क्या पसंद आया हक को ये खुदा जाने, खल्क करके दो आलम कह दिया अली का है, खल्क करके दो आलम कह दिया अली का है अजीब ही तेवर आशिकान है दर के, दार पर सजे हैं और तज़किरा अली का है, वाह 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 वाह, दार पर सजे है और तज़किरा अली का है, है खुदा मोहम्मद से हम कलाम तो लेकिन, है खुदा मोहम्मद से हम कलाम तो लेकिन, हम कलाम होने में वास्ता अली का है, हम कलाम होने में वास्ता अली का है, जिसके साथ जी चाहे आप जाइए लेकिन, जान लीजिए सीधा रास्ता अली का है, जान लीजिए सीधा रास्ता अली का है। और ये आपने शेर जो आज जुमा भी है और ये मरहूम अली मोहम्मद सच्चे साहब का कलाम जो मैं पेश कर रहा था, तो ये शेर में पेश कर रहा हूँ, समझ समझिएगा। किस गहरे इल्म के दर से मांगता हूँ मिलता है, शहरे इल्म के दर से मांगता हूँ मिलता है, जो भी पास है मेरे सब दिया अली की का है, जो भी वाह 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 माशाल्लाह, मौला आपकी तौफीकात खैर में इजाफा फरमाए, सदा आबाद रहें, सदा ज़िक्र अहले बैत अलैहिस्सलाम करते रहें। खुदावंद मुताल ये ज़िक्र मोहब्बत मवद्दत इश्क अहले बैत अलैहिस्सलाम की नेमत आपके खानवादे पर दुनिया व आखरत में अरजान फरमाए, सदा आबाद रहें, सदा ज़िक्र अहले बैत अलैहिस्सलाम करते रहें, इस वबा से आपको जल्द छुटकारा मिले, और सदा ज़िक्र अहले बैत अलैहिस्सलाम में मशगूल रहेंगे। थे हमारे साथ नूहा खान, सैयद मोहम्मद कायम आबदी कायम साहब मुंबई इंडिया से, खुदावंद मुताला पर रहमतें बरकतें नाजिल फरमाएं। जिस तरीके से आप जानते हैं शब जुमा को हम दस्तरखान बिछा कर ज़िक्र अहले बैत अलैहिस्सलाम करते हैं, मिलते हैं इसी ज़िक्र के लिए वक्फे के बाद।
السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين. بسم الله الرحمن الرحيم. صلى الله عليك يا أبا عبد الله، صلى الله عليك يا رحمة الله الواسعة، صلى الله عليك يا باب نجاة الأمة. کربلائی مولا، جمعرات کی آخری گھڑیاں، رمضان عظیم کی تیسری تاریخ کی بھی آخری گھڑیاں، ذکر اہل بیت علیہم السلام، دسترخوان، باب الحوائج، بی بی ام البنین سلام اللہ علیہا، سلام اللہ علیہا کا، اور یقیناً ہر لمحہ گزرے لمحے کے لیے ایک حسرت اور آنے والے لمحے کے لیے انتظار اور امید. امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام کے ایام ہیں. امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام سے متعلق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ایک روایت ہے، کہا قال مکتوب علی العرش، فرمایا لکھا ہوا ہے عرش کے اوپر، ان اللہ لا الہ الا انا، تحقیق میں ہی اللہ ہوں، میرے علاوہ کوئی بھی معبود نہیں ہے، وحدی لا شریک لی، میں تنہا ہوں، میرا کوئی شریک نہیں ہے، ومحمد عبدی ورسولی، محمد میرے عبد ہیں اور میرے رسول ہیں، ایدتہ بعلی، میں نے ان کی مدد کی ہے علی ابن ابی طالب علیہ السلام کے ذریعے سے، فانزل اللہ عز وجل هو الذی ایدک بنصره وبالمؤمنین، پس اللہ تبارک و تعالی نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا ہے، وہ ہے جس نے تیری مدد کی اے رسول، آپ کی مدد کی اپنی مدد کے ذریعے سے، اپنے نصر کے ذریعے سے اور مومنین کے ذریعے سے. نصر اللہ کی امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام ہے، اور مومنین میں بھی امیر المومنین علیہ السلام شریک ہیں، اور خطبہ شابانیہ میں بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسی طریقے سے ارشاد فرمایا تھا، یا علی من قتلک فقد قتلنی، اے علی جس نے تجھے قتل کیا اس نے مجھے قتل کیا، ومن ابغضک فقد ابغضنی، جس نے تجھ سے بغض رکھا اس نے مجھ سے بغض رکھا، ومن سبک فقد سبانی، جس نے تجھے گالیاں دیں اس نے مجھے گالیاں دیں. کیونکہ تہذیب کلام کے خلاف ہے یہ بات، لیکن عام فہم بنانے کے لیے میں الفاظ کو واضح طور پر بیان کر رہا ہوں. لِأَنَّكَ مِنِّي كَنَفْسِي، بے شک تو مجھ سے اس طریقے سے ہے جس طریقے سے میری جان ہے، میرا نفس ہے. روح کا من روحی، تیری روح میری روح ہے. وَطِينَتُكَ مِنْ طِينَتِي، تیری مٹی میری مٹی ہے. اِنَّ اللَّهَ تَبَارَكَ وَتَعَالَى خَلَقَنِي وَإِيَّاكَ، اللہ تبارک و تعالی نے مجھے خلق کیا اور تجھے میرے ساتھ خلق کیا. وَاصْطَفَانِي وَإِيَّاكَ، مجھے مصطفیٰ کیا تجھے میرے ساتھ مصطفیٰ کیا. وَاخْتَارَنِي لِنَبُوَّتِي، اور مجھے اختیار کیا اپنی نبوت کے لیے. وَاخْتَارَكَ لِلْإِمَامَةِ، اور تجھے اپنی امامت کے لیے مختار کیا، اختیار کیا. وَمَنْ أَنْكَرَ إِمَامَتَكَ فَقَدْ أَنْكَرَ نُبُوَّتِي، جس نے تیری امامت کا انکار کیا اس نے میری نبوت کا انکار کیا. ایام عید ہیں، اور عید کے لیے کچھ الفاظ میں کہنا چاہوں گا. لَيْسَ الْعِيدُ لِمَنْ لَبِسَ الْجَدِيدُ، عید اس کے لیے نہیں ہے جس نے نئے کپڑے پہن لیے. اِنَّمَا الْعِيدُ لِمَنْ خَافَ بِالْوَعِيدِ، بتحقیق عید اس کے لیے ہے جو اللہ کی وعید سے ڈر گیا. لَيْسَ الْعِيدُ لِمَنْ تَبَخَّرَ بِالْعُودِ، عید اس کے لیے نہیں ہے جس نے خوشبوئیں لگا دی. اِنَّمَا الْعِيدُ لِمَنْ تَابَ وَلَا يَعُودُ، جس نے اب تحقیق عید اس کے لیے جس نے توبہ کی اور دوبارہ گناہوں کی طرف لوٹ کر نہ آیا. لَيْسَ الْعِيدُ لِمَنْ نَسَبَ الْقُدُورِ، عید اس کے لیے نہیں ہے جس نے بڑے بڑے کھانوں کے دیگچے چڑھا لیے. اِنَّمَا الْعِيدُ لِمَنْ سَعَدَ بِالْمَقْدُورِ، بتحقیق عید اس کے لیے ہے جس نے اللہ تعالیٰ کی عطا پر رضا اختیار کی. عید کی شب لگ رہی ہے ہمارے ہاں، آپ کے ہاں عید کی شاید آخری گھڑیاں ہوں، یا کچھ علاقوں میں عید کی شب لگی جا رہی ہو. بہرحال امیر المومنین علیہ السلام کے دسویں کی مناسبت کہوں تو، اہل بیت علیہ السلام کی عیدوں کو غم سمجھ کے کہوں تو، اگر مومنین کے دلوں کے جذبات امیر المومنین علیہ السلام کی شدت شہادت کی وجہ سے جس طریقے سے مقلوب ہیں،
उसका कहूँ तो। जनाब मीर अनीस कहा करते थे, बरोज़ ईद भी आया जो कोई मिलने को, बरोज़ ईद भी आया जो कोई मिलने को, गमे हुसैन में आबिद को नोहा गर देखा, गमे हुसैन में आबिद को नोहा गर देखा। और बहुत सी कुतुब के अंदर आया जनाब इमाम ज़ैनुल आबिदीन अलैहिस्सलाम, यहाँ पे जो मेरे सामने रिवायत है उसमें तो लिखा बाद शहादत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम, लेकिन मैं अर्ज़ करूँगा मेरे मौला इमाम ज़ैनुल आबिदीन अलैहिस्सलाम दो शहादतों के बाद मदीना लौटे हैं। एक शहादत वो थी जो कि 19 रमज़ान की ज़रूरत से 21 रमज़ान की सुबह को मेरे मौला अमीरुल मोमिनीन अली इब्ने अबी तालिब अलैहिस्सलाम की हुई, एक ये शहादत है। इसके बाद मेरे मौला इमाम सज्जाद अलैहिस्सलाम मदीने में लौटे हैं। इस वक्त शायद मेरे मौला की उम्र चंद साल थी, 38 हिजरी को मेरे मौला की आमद है, चंद साल के हैं, वापस लौटे हैं मदीना। लेकिन जद की जुदाई मेरे मौला के लिए बहुत बड़ा कर्ब होगा और रो रहे होंगे, और बीबियां यकीनन ज़ैनब जैसी बेटी बाप की जुदाई को किस तरीके से भूल सकती है। अहले बैत रसूल फरमाते हैं, जब भी ईद आई उम्मत ने हमें कोई नए रंग का जुल्म करके गम में मुबतला कर दिया। अहले बैत रसूल हर ईद को किसी ना किसी गम, किसी ना किसी दुख, किसी ना किसी कर्ब में मुबतला रहे। मेरे मौला बादे शहादत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम जब वापस लौटे हैं मदीना में, मेरे मौला की आदत थी जब भी ईद आती थी मदीना के चौराहे में अपना मसनद लगाकर ईद मनाया करते थे। लेकिन जब 10 मुहर्रम गुजर गई मेरे मौला आँखों से खून रोया करते थे। जब भी कोई खुशी की बात आती अल्फाज अदा होते अश्शाम, जब भी कोई दुख की बात होती फरमाते अश्शाम, कोई आके मिलने के लिए हाल पूछता मेरे मौला कहते अश्शाम, शाम मेरे मौला को खा गई, आंखों से खून बहता रहता, कर्ब के आंसू जिगर का खून आंखों से बहाते रहते, मेरे मौला हमेशा दुख में मुबतला रहते। 10 मुहर्रम के बाद मेरे मौला ने ईद मुसर्रत मसनद मुसर्रत लगाना छोड़ दी। एक मर्तबा लोगों ने आकर अर्ज की, मौला हम खुशी नहीं मनाएंगे, आइए मसनद लगाइए, आपके दीदार की ईद, आपके दीदार की ईद हमारे लिए काफी है। मेरे मौला राजी हुए, फरमाया कोई मुझे मुबारक देने को ना आएगा, कोई मुझे मुबारक देने को ना आए। मेरे मौला बैठ गए वहां पे, तो देखा जनाब उबैदुल्लाह इब्ने अब्बास अलैहिस्सलाम ने कि मौला शायद खुशी मना रहे हैं, बच्चे हैं, शायद एहसास ना हुआ। माँ से कहा, अम्मा मुझे नए कपड़े पहनाओ। माँ, अब्बास की माँ कैसे खुशी मनाए, बेटे को जनाब अब्बास के कपड़े बचपने वाले पहनाकर भेजने लगी। भेजा, मेरे मौला सज्जाद ने देखा जनाब अब्बास की खुशबू आ रही है, जनाब उबैदुल्लाह को देखकर खड़े हो गए, लोग भी साथ साथ खड़े हो गए। मेरे मौला ने आगे बढ़ के जनाब उबैदुल्लाह को जो बोसा दिया, मेरे मौला की आंखों से अश्क जारी हुए। मेरे मौला के बेटे, मौला अब्बास के बेटे उबैदुल्लाह फरमाते हैं, मौला क्यों गिरिया फरमाते हैं? फरमाया, आज मुझे अब्बास की खुशबू आ रही थी, मैं समझा अब्बास चलते हुए चले आए। मेरे मौला ने गिरिया शुरू किया, लोगों ने ताजियत देना शुरू की, बस मेरे मौला और कुछ ना कहते थे। मेरे मौला अब्बास, शाम, ज़ैनब कहकर पुकारते थे, लोग गिरिया करते थे, मैं क्या बताऊं। मेरे मौला अल्फाज अदा लोगों के लिए करते थे, आंखों से खून, शाम का बाजार आंखों में नक्शा लेकर आता था। मेरे मौला फरमाते थे अश्शाम 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 अला लानतुल्लाह अलल कौमि ज़ालिमीन وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون اللهم أجل وليك الفرج